हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिग्नल ऐप क्या है और इसको यूज कैसे करें। तो चलिए हम अपने प्ले स्टोर में चलते हैं और आपको सिग्नल ऐप इंस्टॉल करके और रजिस्टर करके बताएंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे यूज कैसे करते हैं। तो चलिए हम प्ले स्टोर पर चलते हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे सिग्नल ऐप। आप भी सिग्नल ऐप टाइप करेंगे। इसके बाद ये देखिए इसका इंटरफेस है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ये कुछ समय टाइम लेगा। कुछ देखिए, इसकी रेटिंग 4.5 है। ये इस समय प्ले स्टोर पे ट्रेंड में है। देखिए इंस्टॉल हो रहा है। इसकी साइज़ है 33.67 MB। तो इंस्टॉल हो रहा है, कुछ समय लेगा। फ्रेंड, ये पूरा सिक्योर है। व्हाट्सएप की जो व्हाट्सएप है आपका, वो 8 फरवरी 2021 से आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपका डेटा शेयर करेगा, इसीलिए सब इस सिग्नल ऐप को यूज कर रहे हैं। तो आप भी सिग्नल ऐप यूज करिए और इसको हम ओपन करेंगे। आप देखिए स्कैन हो रहा है। फ्रेंड, ये पूरी तरह सिक्योर है, आपका डेटा कहीं भी शेयर नहीं करेगा। जबकि व्हाट्सएप पहले नहीं करता था, लेकिन अब करेगा। इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आप सभी ऑप्शन को अलाउ कर देंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट। इसके बाद ये OTP अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, आपको डालना नहीं पड़ेगा। सेम व्हाट्सएप पे जैसे हम रजिस्टर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको पिन चुनना है। हम चलिए अपना पिन डाल लेते हैं। आप जो भी पिन डालना चाहते हैं वो डाल लें। यहाँ पे अपना पिन सेट करने के बाद कंफर्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। देखिए लोडिंग लेगा, नेट स्लो है इसलिए। कंटिन्यू करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपके, जो सिग्नल ऐप का इंटरफेस है इस तरह से दिखेगा आपको। तो देखिए हम इसको अब आपको यूज करना बताएंगे, किस तरह से यूज करेंगे इसको। तो आप देखिए यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम ये जो आपको ऊपर दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए न्यू ग्रुप है, मार्क ऑल रीड है, इन्वाइट फ्रेंड है और सेटिंग है। तो आप न्यू ग्रुप से न्यू ग्रुप बना सकते हैं, मार्क ऑल रीड से आप सारे मार्क को रीड कर सकते हैं, रीड दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। इनवाइट फ्रेंड से करके आपको आप इनवाइट अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं। सेटिंग पे क्लिक करके आप सेटिंग कर सकते हैं। चलिए हम सेटिंग बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए आप अपना नाम, आपका नाम शो करेगा यहाँ। नाम प्रोफाइल पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना नाम एडिट कर सकते हैं, जैसा कि आपने अपना नाम यहाँ फिल कर सकते हैं और यहाँ पे अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ टेक फ़ोटो लिखा है, चूज फ्रॉम गैलरी। आप गैलरी से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फ़ोटो भी ले सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिए यहाँ SMS एंड MMS लिखा है। यहाँ पे आप SMS को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं और साउंड का रिंगटोन लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वाइब्रेट लगा सकते हैं और इसको भी सेट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिफ़ॉल्ट में रहेगा, ऑलरेडी सेट रहेगा। उसके बाद ये आप देखिए प्राइवेसी लिखा है, प्राइवेसी पर जाएंगे और यहाँ स्क्रीन लॉक लिखा है, आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। स्क्रीन लॉक
लगाने के बाद ये कि स्क्रीन सिक्योरिटी भी लिखा है। आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको अलाउ करके आप सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल पिन का आपको यहाँ जो पिन आपने डाला था पहले उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आप थीम से भी चेंज कर सकते हैं लाइट या डार्क में। चैट एंड मीडिया पेज देख सकते हैं और आपको स्टोरेज दिख रहा है यहाँ पे आप कितना स्टोरेज यूज हुआ है इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ एडवांस सेटिंग है, आप सारे सेटिंग को एक एक करके देख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं SMS कैसे भेजना है, ग्रुप कैसे बनाना है, यह हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जो ये पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपको सर्च करना पड़ेगा जिस बंदे को आप मैसेज करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर वो सिंगल ऐप यूज कर रहा होगा तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में अगर होगा तो आ जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा है आप न्यू ग्रुप बना सकते हैं और यहाँ पे देखिए आप मोबाइल नंबर भी डालकर सर्च कर सकते हैं और 3 डॉट पे क्लिक करके आप इनवाइट फ्रेंड न्यू ग्रुप और रिफ्रेश जिसको आप जोड़ेंगे रिफ्रेश करके उसको सर्च बॉक्स में ला सकते हैं। और वहाँ पे यहाँ पे देखिए नोट पैड लिखा है नोट टू सेल्फ, इस पर क्लिक करके आप अपने लिए पर्सनली नोट बना सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ कुछ टाइप करेंगे उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे सेंड, देखिए ये नोट हो गया। अब हम किसी भी डिवाइस में अपना लॉगिन करेंगे तो वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं इसको अपने नोट को। यहाँ से हम फोटो भी सेंड कर सकते हैं, फाइल भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि मैसेज कैसे करेंगे किसी बंदे को। तो देखिए हम फिर 3 डॉट पे क्लिक, ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम किसी बंदे को सेंड करते हैं मैसेज, देखिए यहाँ पे हम वर्गो पे सेंड करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे इसी के बाद सेंड कर सकते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि फ़ोटो वोटो कैसे सेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, GF का दिखेगा, फाइल का दिखेगा और कॉन्टैक्ट का दिखेगा, लोकेशन का दिखेगा। अगर आप फ़ोटो सेंड करना चाहते हैं तो गैलरी पे क्लिक करके आप फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, GF सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ फाइल भी कोई डॉक्यूमेंट आपका है अगर सेंड करना चाहते हैं किसी को तो आप फाइल पे क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके किसी का नंबर भी आप सेंड कर सकते हैं और लोकेशन पर क्लिक करके अपना लोकेशन सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप स्टिकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो स्टिकर आप चाहें। उसके बाद यहाँ कैमरे के आइकन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं और स्पीकर पर क्लिक करके आप वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। इसमें आपको व्हाट्सएप से कहीं ज़्यादा एडवांस फीचर मिल जाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। और देखिए ये ऊपर रेड पे लिखा है आपको वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप बहुत सारा कुछ ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें अगर हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे तो आपको ये वीडियो लंबा हो सकता है। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको ग्रुप कैसे बनाएंगे और फ्रेंड को इन्वाइट कैसे करेंगे ये सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आपको पेंसिल के ऊपर भी एक कैमरे का आइकन दिख रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड अब हम मिलेंगे किसी और टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।